साथियों, आप ये खबर सुन के थोड़े आश्चर्य भी होंगे और भक्तों को थोड़ी मिर्ची भी लगेगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक जजमेंट दिया और जजमेंट उन अंध भक्तों के खिलाफ दिया है कि जो लोग न देखते हुए कोई भी, अगर वो गाड़ी में मीट होता है या फिर कोई अलग तरह का मीट होता है तो उसे पकड़कर वो गौरक्षक जो अपना नाम बताते हैं वो गौरक्षक उसे जेल की सलाखों के पीछे भेज देते हैं। पुलिस द्वारा इल्लीगल डिटेंशन कहा जाएगा, इल्लीगल तरीके से कार्रवाई की जाती है, जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। ऐसी हाल ही में शामली के रहने वाले रहमुद्दीन के ऊपर ऐसी ही अगस्त में कार्रवाई हुई, 1 से 1.5 महीना वो जेल में रहते हैं, जिसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट जब उनके खिलाफ कोई ऐसे विटनेसेस ना एविडेंसेस कुछ नहीं पाने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट उन्हें बेल देती है और वो अपने ऑर्डर में ये खास करके ये दर्शा रही है कि जिस तरह से गौ रक्षा के नाम पे गुंडा राज चल रहा है, गौ रक्षा के नाम पे बेकसूरों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है, बेकसूरों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, यहां तक कि गौ रक्षा के नाम पर उन्हें मौत के घाट भी उतार देते हैं, आखिर इन्हें अधिकार इतना किसने दिया? सबसे पहली बात, खाली में उत्तर प्रदेश सरकार ये कहती थी कि उत्तर प्रदेश में गौओं की हत्याएं बहुत होती है, जहां पे स्लॉटर हाउस बंद कराए गए, ऐसी बहुत सारी बीफ शॉप्स बंद करवाए गए, लेकिन हाल ही में जब देखते हैं तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये ऑर्डर में ये भी लिखा है कि जिस तरह से जिनके घरों पे गौ होती है, गाय होती है, तो वो जब वो दूध नहीं देने लगती तो वो रस्तों पे छोड़ देते हैं, उन्हें न गौशालाओं में भेजते हैं और गौशाला की तो हालत तर से बदतर है, वहां तो गाय मर रही है, दम तोड़ रही है, न खाने को चारा है, न रहने की उनकी कोई सुविधा है, लेकिन सरकार राजनीति करने से परे रही है, सरकार राजनीति हमेशा करते रही है गौ के नाम पर, लेकिन गाय मर रही है रस्तों पे, उनका ध्यान नहीं देना है। यहां तक कि गौशालाओं की हालत देख लेंगे तो तर से बदतर है। सिर्फ इन्हें एक कम्युनिटी, सिर्फ राजनीति का मुद्दा चाहिए, कहीं ना कहीं चाहे वो आपने सुना होगा अखलाक का मुद्दा, जहां पर अखलाक को फ्रीज में उनके गोश होने की ऐसी उनके आसपास कोई बीजेपी के कार्यकर्ता थे उनके द्वारा एक अफवाह फैलाई गई, उनकी जान ले ली गई, इसी तरह से मॉब लिंचिंग इसी के नाम पर बहुत तूल पकड़ा और उसके बाद कई लोगों की जाने गई, सभी लोग दलित और माइनॉरिटी समाज से पाए गए हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं सरकार आज जो जो एक निरोप करके, मैं ये कहना चाहता हूं गलत तरीके से लोगों पे जो ये थोप रही है कि गौ रक्षा सिर्फ एक कम्युनिटी फॉलो नहीं करती, गाय की रक्षा सिर्फ मुसलमान कम्युनिटी के लोग गायों को मारते हैं, ये कदापि गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि गाय जो पाल रहे हैं सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स, बीफ एक्सपोर्टर्स अगर कहे जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के हैं, जो उत्तर प्रदेश से हैं, जो कंपनियां जो चला रहे हैं मुसलमान और माइनॉरिटीज के नाम पे चला रहे हैं, लेकिन बदनाम तो मुसलमान है क्योंकि इन्हें मुसलमान और हिंदू के नाम से राजनीति करनी है, अपनी वोटों की राजनीति करनी है, इन्हें अपनी दुकान चलानी है, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजमेंट आने से ये करारा अंधभक्तों के मुंह पे एक तमाचा है। मैं ये कहना चाहूंगा जिस तरह शामली के रहमुद्दीन को न्याय मिला, उसी तरह से हर स्टेट के जितने भी हाईकोर्ट है वो जो आज बेकसूर लोग जेल की सलाखों के पीछे है उन्हें जल्द से जल्द ऐसे ही कानूनों के तहत रिहा करा जाए और उनके ऊपर जो गायों को नहीं संभाल सकते रस्तों पे छोड़ देते हैं, बीच रास्तों पे एक्सीडेंट होने के लिए छोड़ देते हैं, गौशालाएं सही से नहीं रख सकते, इनके ऊपर भी काउ स्लॉटर एक्ट लगना चाहिए, ये हमारी मांग है। जय हिंद साथी। आवाज़।